लोगों के लिए ये रिपोर्ट खास अहमियत रखती है। ज्यादातर लोगों को आलू चिप्स या ब्रेड को भूरा होने तक तलने या भुनने की आदत हो जाती है ताकि उन्हें कुरकुरा स्वाद मिल सके। वो उन्हें बहुत पसंद भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जायका कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकता है? जी हाँ, ब्रेड चिप्स और आलू को ज्यादा पकाने से बचिए, क्योंकि फूड वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कैंसर होने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्टार्च वाला खाना जब बहुत ज्यादा तापमान और ज्यादा देर तक सेका जाए या भुना जाए या फिर तला जाए या ग्रिल किया जाए तो उसमें एक्रिलामाइड नामक केमिकल पैदा होता है। एक्रिलामाइड कई तरह से खाने में मौजूद होते हैं और ये खाना बनाते समय स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं और ये उन भोजन में सबसे अधिक पाया जाता है जिसमें शर्करा अधिक होता है और जो 120 डिग्री सेल्सियस तक पकाए जाते हैं, जैसे चिप्स, ब्रेड, सुबह नाश्ते की दालें, बिस्किट, क्रैक्स, केक और कॉफी। दरअसल जब ब्रेड को हम रोस्ट करते हैं या टोस्ट करते हैं तो इसे ग्रिल करते हैं और इसमें ज्यादा मात्रा में एक्रिलामाइड बनते हैं। टोस्ट का रंग जितना गहरा होगा उसमें उतनी अधिक मात्रा में एक्रिलामाइड बनेंगे। ब्रेड और भूरा होने लगे तो उसमें मौजूद शर्करा, अमीनो एसिड और पानी मिलाकर रंग को एक्रिलामाइड बनाते हैं और इसी से सुगंध भी पैदा होती है। वहीं फूड स्टैंडर्ड एजेंसी FSA ने खाना बनाने से जुड़े निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करने और खाने को भूरा होने तक भुनने या पकाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि कैंसर रिसर्च से जुड़ी प्रवक्ता का कहना है कि गहरे लाल भुने खानों से कैंसर होने की पुष्टि अभी इंसानों में नहीं हुई है। जानवरों के साथ किए गए शोध बताते हैं कि ये केमिकल DNA के लिए विषैला होता है और इससे कैंसर होता है। क्यूरन हेल्डेक्स की रिपोर्ट।